कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है कारोबारी दर्शन हीरानंदानी का। दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामे के बाद ही महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंस गई और उनकी सांसदी चली गई। आपको बता दें कि मामले में दर्शन हीरानंदानी ने अपने कबूलनामे में कहा था कि हाँ, महुआ मोइत्रा ने रिश्वत ली है और संसद में सवाल पूछा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसद खाते का लॉगिन और पासवर्ड भी शेयर किया था। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने के साथ ही दर्शन हीरानंदानी चर्चा में आ गए हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर दर्शन हीरानंदानी कौन है। दर्शन हीरानंदानी हीरानंदानी ग्रुप के संस्थापक और प्रॉपर्टी टाइकून निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। दर्शन हीरानंदानी अपने पिता के रियल एस्टेट साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दर्शन हीरानंदानी वर्तमान में हीरानंदानी समूह के CEO हैं। वो डेटा सेंटर ऑपरेटर योटा डेटा सर्विसेज, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी एच एनर्जी, टार्क सेमीकंडक्टर्स और कंज्यूमर सर्विसेज तेज प्लेटफॉर्म्स के भी चेयरमैन हैं। 42 साल के दर्शन हीरानंदानी ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है। दर्शन हीरानंदानी MBA ग्रेजुएट हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के फेमस रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की है। आपको बता दें कि BJP सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी से पैसे और महंगे गिफ्ट्स लेती हैं। निशिकांत की माने तो महुआ मोइत्रा ने उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए संसद में कुछ सवाल पूछे थे। इस मामले में महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंस गई। महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और इसके साथ ही उनकी सांसदी खत्म हो गई। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज़ पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।